मजमुए के बारे में फिर एक नया तबका पैदा हुआ है। अब आजकल इस मिजाज के लोग ज़्यादा हैं, 90% समझ लीजिए इस तरह के ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं। 10% 15% जो है आज तसल्ली व मजबूत सुन्नी रह गए, वरना आजकल की सुन्नियाँ सिर्फ नजर व नियाज खाने तक और खाने पीने तक ही रहेंगे। अमल के मामले में 0/17 मिजाज इसकी तरह हो गया। ज़रा सुन लीजिए क्या यही हमारे सुन्नी का मिजाज हो। अपने अकीदे पर रहो, दूसरों को छोड़ो ना यार, अपने को क्या लेना। हलवा खाते रहो, ग्यारहवीं खाते रहो, ये तालीम देने वाला ये नॉलेज। एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो। तो जनाब अली, एक अकीदा तो वह है कि अली खुदा है, तो क्या उनके लिए भी गुंजाइश है आपके पास? एक अकीदा तो वह है कि रसूल के बाद भी नबी आ सकता है, उसके लिए भी आपके पास गुंजाइश है। एक अकीदा यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पेशाब नहीं रोक सकते, उसके लिए भी आपके पास गुंजाइश है। और अगर इन लोगों के लिए गुंजाइश है आपके पास, तो फिर आप मुसलमान भी हो सकते। क्योंकि इस्लाम हक्कानियत का नाम है, बातिल और हक के मजमुए का नाम है। गोबर गोबर है, हलवा हलवा है, अगरचे देखने में मिलते जुलते दिखते हैं। हलवा खाया जाएगा, गोबर नहीं खाया जाएगा। जो कौम गोबर खाती है आप उसको जानते हैं, उनसे हमारा इस मामले में तालमेल नहीं हो सकता। दूध पिया जाएगा, पेशाब नहीं पिया जाएगा। पेशाब पीने वाली कौम को भी आप जानते हैं। हमारे धर्म में, हमारे मजहब में दूध की इजाज़त है, पेशाब की इजाज़त। हक और बातिल में मिलाए नहीं जा सकते, रात और दिन एक नहीं हो सकते। ये जाहलाना जुमले, ये बिल्कुल वही जुमले है जो मुशरिकीन के जुमले थे। ये मुशरिकों की बोली है, ये मोमिन की बोली नहीं है। जब नबी पाक बुतों की मजम्मत करते थे मक्का में, तो सारे अरब के जितने मक्का के वो सरदार थे जमा हुए, अबू तालिब हुजूर के चचा के पास आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अबू तालिब के पास रहा करते थे, कहा कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, हमारे माबूदों को बुरा कहता है। बस हमारे माबूदों को बुरा ना कहे, हमें कोई एतराज नहीं। वो किस खुदा को मानता है, किस खुदा की इबादत करता है, मैं उससे कोई गरज नहीं। सिर्फ हमारे बुतों को बुरा ना कहे। अगर वो बादशाह बनना चाहता है मोहम्मद, हम बादशाह मानने के लिए तैयार है। अगर मोहम्मद को खूबसूरत हसीन लड़की से निकाह की ख्वाहिश है, अरब की जिस लड़की की तरफ वो इशारा कर दे, उस लड़की से हम उसका निकाह कर देंगे। अगर मोहम्मद दौलत चाहता है, हर कबीला इतना माल और असबाब देगा कि मोहम्मद से ज़्यादा अमीर पूरे अरब में कोई ना होगा। बस हमारे माबूद को बुरा कहना मोहम्मद छोड़ दे। अबू तालिब आए भतीजे, अहले मक्का ये कह रहे, आका ने क्या जवाब दिया था? 12 आपने सुना, कहा चचा अगर ये एक हाथ में चांद लाकर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज लाकर रख दे, खुदा की कसम मैं तब भी अल्लाह के पैगाम बताने से बाज नहीं आऊंगा। तो हक और बातिल कभी एक नहीं हो सकते। इसका जवाब में एक छोटा सा बस मुतालबा, ये जो मुतालबा जिस दिन मेरा पूरा कर दे, मैं उसकी गुलामी के लिए तैयार हूं, चाहे वो तारिक जमील का चाहने वाला हो। अब ये तो पागल हो गया बेटे की मोहब्बत में, उसका बेटा भी मरा, खुदकुशी किया। इसी के देवबंद का एक मौलवी है, अभी वो क्लिप मेरे मोबाइल में है, इसमें लैपटॉप में नहीं डाल पाया मैं। वो खुद कहता है कि मैं तारिक जमील से मिलकर आया, तो तारिक जमील अब दीवाना हो चुका, होश आवाज खत्म हो गए। नहीं, इसका बेटा मरा, अभी सगा बेटा गोली मार दिया उसने अपने आप को, और ये इतना बेसब्रा हो गया कि उसी की मोहब्बत में रोता रहता। और वो खुद तनकीद कर रहा है, देवबंद का ही मौलवी है, कहता तारिक जमील ख़त्म हो गया, बोले अब कोई काम का नहीं रहा। उसको दो लोग उठा के लाए, बोले जब मैं मिलने गया, पकड़ के लाए, बोले उसको दो लोग। सारी जिंदगी बोले सब्र सब्र बोलता रहा, बोले और खुद इतना बेसब्रा हो गया। सारी जिंदगी लोगों को बोले कुर्बानी और अल्लाह की रजा पे राजी रहना, ये सिखाता रहा, बोले आज खुद राजी नहीं। तो ये ख़त्म हो गया, फुसकी हो गया। अभी अब इस बम में कोई धमाका नहीं रहा, तो इससे तो तवक्के नहीं है। कई बार, कई सालों से मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि तारिक जमील साहब
ये जो आपने जुमला लाया है और ये पूरी कौम को उल्लू बनाया है आपने, और आपकी इस बयान आपने नौटंकी, आपके धोखे वाले आंसू रोते हो, आप इस तरह के शियाओं को भी आपने मात दे दिया रोने में, ये जो नौटंकी करके आप ड्रामा करते हो कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीरे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को काफिर ना बोलो, ये जो आपने फलसफा लाया, सिर्फ कुरान की एक आयत दिखा दो मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, एक हदीस दिखा दो कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने अपने अकीरे पर रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, मिलजुल के रहो, एक हदीस दिखा दो मैं आपकी गुलामी और आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब आप तो गए, अब किसी काम की नहीं रहे, तो आपका कोई चाहने वाला दिखा दे, आपका कोई मानने वाला दिखा दे, आपका कोई मोतकिद दिखा दे, खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से मिंबर पर उलमा की मौजूदगी में इनको गवाह बना के कहता हूँ, पूरे कुरान में एक आयत आपको ऐसी नहीं मिलेंगी जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, ये तो नहीं मिलेगा, बल्कि कुरान में उसके बरक्स क्या मिलता है, पारा नंबर एक सूरह बकरा आयत 42 अल्लाह फरमाता है वला तलबसुल हक्का बिल बातिली वतक्तुमुल हक्का वअंतुम तालमून, ऐ लोगो हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, ये रब कह रहा है, फारूक रज़वी नहीं कह रहा, जाओ कुरान अजीम की आयत नंबर 42 सूरह बकरा पारा एक उठा के देख लो, जिसका चाहो तर्जुमा देख लो, यही तर्जुमा वला तलबसुल हक्का बिल बातिल, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, गुत्थम गुत्था ना करो, हक और बातिल का मजमा मत बनाओ, गोबर और हलवे को एक साथ ना करो, पाकी और नापाकी को ना जोड़ो, वह तक्तुमुल हक्का वह अंतुम तालमून, और जानते बूझते दानिश्ता दीदा तौर पर समझते हुए हक को ना छुपाओ, और अब कह रहा है हक को छुपाओ नहीं, तुम मोमिनो मुसलमानो तुम्हारा काम ही यही है, तुम बेहतरीन इसलिए हो कि हक को वाजे करो, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिलनास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, जो उम्मत जाहिर की गई हो, तुम्हारा काम ही यही हो कि भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, बुराई और भलाई को मिलाकर मजमुआ नहीं बनाते हो तुम, खुदा के वास्ते आज वक्त है मैं समझाने आया हूँ, इसी मकसद के लिए इतने दूर से मुझे इन नौजवानों ने बुलाया कि आपको ये बता सकूँ समझा सकूँ, हक को समझो और हक के साथ हो जाओ, ये चीज़ छोड़ दो कि सब ठीक है, जो ठीक है उसी के साथ होना है, कुरान हमें ये नहीं कहता कि बातिल और हक एक हो जाओ, कुरान ये नहीं कहता एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, बल्कि कुरान और हदीस ये कहते हैं कि हक के साथ हो जाओ, एक दूसरे मकाम पर कुरान कहता है पारा 28 सूरह हश्र आयत 20 रब फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नती हुमुल फायजून, अल्लाह फरमाता है क्या जन्नत वाले और दोजख वाले बराबर हो जाएंगे, बोलिए आपका क्या ख्याल है, ये रब कह रहा है ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना, क्या जहन्नम वाले और दोजख वाले बराबर हो जाएंगे, हरगिज नहीं, असहाबुल जन्नती हुमुल फायजून, जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे, कामयाबी जन्नत में है, और जन्नत कहाँ है, मुस्तफ़ा की गुलामी में, मुस्तफ़ा के फरामीन में, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, और आका की ये तालीम नहीं कि हक व बातिल, तो जो बातिल अकीदे हैं हम ये नहीं कहते कि उनसे आप लड़िए मारा पिटी कीजिए गाली गलौज कीजिए, नहीं, अपने अकीदे अहले सुन्नत को पहचानिए जानिए और उस पर कायम रहिए, आज नौजवानों की जिम्मेदारी है, सारा सारा दिन मोबाइल में वक्त गुजारते हो, सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करो, बड़ी अजीब बात है यार, अहले बैत की मोहब्बत की बात आती है तो राबदियों के साथ चले जाते हो, तौहीद की बात आती है तो गैर मुकल्लिद अहले हदीसों के पास चले जाते हो, नमाज पढ़ने का टाइम आता है तो तबलीग में चले जाते हो, अरे भाई साहब आपको सुन्नी रहकर नमाज पढ़ने में कौन सी मौत आ रही है, सुन्नी रहकर अहले बैत से मोहब्बत करने में कौन रोक रहा है आपको, सुन्नी रहकर अल्लाह की तौहीद पर मानने में आपको किसने रोका है, इस चीज़ों का फ़ायदा ही तब मिलेगा जब आप सुन्नी रहकर ये सब काम करोगे, सुन्नी रहकर अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो काम आएंगे, सुन्नी रहकर नमाज पढ़ोगे तो काम आएंगे, सुन्नी रहकर अल्लाह की तौहीद को जानोगे समझोगे और पर उसको ये उस पर ईमान लाओगे तो काम आएंगी, अगर बदअकीदा होकर तौहीद की बात किए तो कोई काम की नहीं, बदअकीदा होकर नमाज पढ़ी तो मुँह पे मार दी जाएंगी, बदअकीदा होकर अहले बैत की मोहब्बत करते रहे मुँह पे मार दी जाएंगी, सारी मोहब्बतें सारी चीज़ें कामयाब तभी है जब आप अहले सुन्नत, इसलिए कि अहले सुन्नती हक जमात है,
यही वो जमात है जिस पर 1400 साल से अइमा, उलमा, औलिया, मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन सारे इसी जमात में गुजरे हैं। इसके अलावा किसी जमात में आपको ना वली मिलेंगे, ना अइमा मिलेंगे, ना औलिया मिलेंगे किसी जमात में। तो कुरान की ये तालीम बहरहाल नई है। और एक आखिरी आयत, इस पर मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। तो वजूद ही खत्म हुआ, सवालात भी कुछ पूछना चाहते थे बस। ये आखिरी तारिक जमील की, चलिए क्लिप देख लीजिए, क्योंकि इनको तड़प किस बात की है वो भी सुन लीजिए। जन्नत में कौन जाएगा? बड़ी समस्या, खाली खाली रह जाएंगी। बिल्कुल वो शिया वाली बात हुई, कुछ नहीं बचेगा, अल्लाह का दिल घबराएगा, माज़ अल्लाह अस्तग़फ़ुर। तो इनका ख्याल ये जन्नत खाली हो जाएंगी तो ये बोर हो जाएंगे, वो तो ये फिक्र में आ गए जन्नत में कौन जाएगा। इस हद तक मत जाओ, उम्मत में इख्तलाफ रहा। भाई साहब, वो जो इख्तलाफ उम्मत में है वो कुफ्र ईमान का नहीं है, वो इख्तलाफ वो है जिसके बारे में हदीस में आया कि उलमा के माबैन इख्तलाफ भी रहमत है। वो फरोई इख्तलाफ है जो इमाम शाफई का इमाम मालिक से, इमाम मालिक का इमाम अबू हनीफा से है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल का इमाम शाफई से। ये चारों आइम्मा का आपस में जो इख्तलाफ है वो अकीदे पर नहीं है, वो फरोई मसाइल है। फरोई मसाइल काय पे? मस्तून अमल पर है, मस्तहबात पर है, उन चीज़ों पर इख्तलाफ है जिसका हुक्म कुरान और हदीस में वाज़े नहीं है। हर इमाम ने अपने इल्म के मुताबिक उस पर कयास किया, और जो जिस इमाम के मानने वाले ज़्यादा थे, जिसके ज़्यादा मौतकिद चाहने वाले थे, उसकी तहकीक और उसके कौल को उन्होंने कबूल कर लिया। अकीदे पर इख्तलाफ नहीं है उनका। सारे मिलकर चारों इमाम कौन है? अहले सुन्नत है। आला हज़रत फरमाते हैं इस्लाम बाप है। इस्लाम क्या है? बाप है। अहले सुन्नत व जमात माँ है, और उस जमात और उस बाप के ये चार बेटे, मालिकी, शाफई, हम्बली, हनफी, ये चार बेटे हैं, चार औलादे हैं। तो वो इख्तलाफ तो फरोई था, उसमें तो एक दूसरे पे कुफर के फतवे नहीं लगाए। आप उस इख्तलाफ को यहाँ आज के इख्तलाफ पे ला रहे। आज हमारा इन जो जमातों से इख्तलाफ है फरोई मसाइल पर नहीं है। याद रखिए, अगर कोई रफा दैन करके नमाज पढ़ता है उस बुनियाद पर हम उसको काफिर नहीं कहते। याद रखिए, अगर कोई जोर से आमीन कहता है उस बुनियाद पर हम उसको काफिर नहीं कहते। अगर कोई इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए सूरह फातिहा पढ़ता है हम काफिर नहीं कहते। कोई अगर नमाज में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफादैन करता है, हाथ उठाता है, हम काफिर नहीं कहते, क्योंकि हमारा इस बारे में सिर्फ इतना इख्तलाफ है कि हम कहते हैं ये भी हदीसों में आया, और ये भी हदीसें हैं कि रफादैन नहीं करना चाहिए, ये भी हदीसें हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, किरात नहीं करनी चाहिए, ये भी हदीस में है कि ज़ोर से आमीन नहीं कहना चाहिए, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है। हदीस के रावियों में इख्तलाफ है। जिस इमाम की, जिस आलिम की, जिस तहकीक पर, जिस हदीस पर एतमाद ज्यादा हुआ वो उस पर अमल कर रहा है, तो दोनों का अमल ज़ाहिरन हदीस ही पर है। इस पर तो इख्तलाफ है, इस पर हम काफिर नहीं कहते। हमारा इख्तलाफ जिस बुनियादों पर है जिस पर हम कुफ्र का फतवा देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे शख्स भी काफिर नहीं है जो कहे अली खुदा है? गुंजाइश रखी जाएंगी इस बारे में? तारिक जमील के इस कॉल पर अमल किया जाएगा? एक दूसरे को काफिर ना कहो, गुंजाइश रखो। जो कहे कि रसूल के बाद नबी आ सकता है, जो कहे कि नबी का इल्म गैब जानवर और पागलों की तरह है, जो नबी को मासूम न कहे, कहा नबी से भी गलती और खताएं और गुनाह हुए माजल्ला, ऐसा कहने वाला कैसे मुसलमान हो सकता है? इस बारे में हम इनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मगर तारिक जमील साहब को दर्द यह है कि अगर एक दूसरे को आप काफिर कहते रहे तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? तो तारिक जमील साहब, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ये उम्मत रसूलुल्लाह की बनाई हुई है। आका ने अपनी उम्मत को गुमराही पे नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं छोड़ा है कि आप जैसे जाहिल आके अब इस उम्मत को संभाले और समझाए।
आका ने अपनी उम्मत को हर चीज समझा दी, और क्या समझाई, 18 सहाबा इकराम ने इस रिवायत को नकल किया और 344 हदीस की किताबों में यह हदीस आई। आका ने कहा इन्ना बनी इसराइल तफरकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला, का कौम बनी इसराइल में 72 फिरके हुए और वो गुमराह हुए, व तफ्तरे को उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएंगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन ही या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान और निशानी क्या होंगी, काला माना अलैही वा सहाबी, फरमाया जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत में जाएगा। हुज़ूर ने बता दिया कितने फिरके जहन्नम में जाएंगे, 72, और कितना जन्नत में कितने फिरके जाएंगे, सिर्फ एक। नबी कह रहे हैं एक जाएगा, ये कह रहे हैं जन्नत में कौन जाएगा, गुंजाइश रखो, तुम्हारे गुंजाइश रखने से क्या होगा, सबसे पहले तो तू जहन्नम में जाएगा। अल्लाह कहेगा मेरा नबी कह रहा था 73 होंगे, 72 जन्नत में जाएंगे, और तू सबको जन्नत ही बनाते फिर रहा था, तू था कौन, पैगंबर था, रसूल था, तू कौन था, कौन सेमड़े ना खींच खींच के तो बात करता था तू, जब तक हलक में निकलता नहीं है आवाज नहीं निकलता, सू सू करता है सेमड़ा बकरा, होता है ना हमारे यहाँ तो बोकड़ बोलते हैं, आप क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जो बकरा होता है खींचता रहता है, उस तरह तेरी हालत है, दुनिया में तेरे को दिखा दे कि तेरी वहाँ भी गीजा क्या होने वाली है। तो ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए भाई, अपने उलमा से रابطہ रखिए, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत रखिए। नौजवानों को मैं जो पैगाम दे रहा था बात दूर निकल गई, मुताला करने की आदत बहुत ज़रूरी, रोज़ाना का एक मामूल बनाइए, अपने अहले सुन्नत के उलमा की किताबें लाइए, छोटे छोटे किताबचों से शुरू कीजिए, दिलचस्पी बढ़ती है तो आदमी भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है तो वक्त पता नहीं चलता। ये तो छोटी छोटी किताबें, मेरी मजबूरी होती कि इतना फ्लाइट का सफ़र होता है, फ्लाइट से आना जाना 15 किलो से ज़्यादा अलाउड नहीं है फ्लाइट में, तो इतनी सारी सब किताबें ला नहीं सकता, वरना अल्लाह का शुक्र है कि कई कई जिल्दों की किताबें पढ़ता हूँ, लाइब्रेरी में मेरी सैकड़ों किताबें, हज़ारों की तादाद में किताबें, तो शुरुआत मेरी भी छोटी छोटी किताबचों से हुई थी, दिलचस्पी बढ़ी, आज 20-25 जिल्दों की किताबें पढ़ लेता हूँ तो पता नहीं चलता। तो अपने नौजवानों से कहूँगा अपने उलमा की किताबें पढ़िए ताकि आपको अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पता चले, जब अपनी आपको हीरे की परख हो जाएंगी, अगर कोई कांच का टुकड़ा ला के हीरा बा कह के दिखाएगा आप धोखा दें, आपको हीरे की परख नहीं है, इसलिए कोई भी कांच का टुकड़ा ले आता और कहता है देखो ये हीरा है, आप उसी को हीरा समझ, तो मुताला कीजिए, पढ़ने की आदत डालिए। जो लोग उर्दू नहीं समझते, उर्दू नहीं पढ़ते, तो कम से कम उलमा से वाबस्ता रहिए, उनसे मसाइल पूछा कीजिए, उनसे जानिए, और आज इंटरनेट का ज़माना है, सबके वीडियोज़ इंटरनेट पर पड़े रहते हैं, तो बदअकीदों के वीडियो देखने से भी हमें परहेज करना चाहिए, कि हमारे लिए सुन्नत के उलमा की वीडियोज़ नहीं है, कि हमारे पास तालीमात नहीं है, कि हमारे पास किताबें नहीं, अपने उलमा के बयान सुनिए, अपने आलिमों की तकरीरों को सुनिए, अपने अकीदे को जानिए, दूसरों का भाई हमें अपने घर से मतलब, दूसरों के घर में झांक कर क्या देखें, क्या चल। बहरहाल आज यही सब पैगाम था, मकसद यही था कि इस्लाह अमाल के साथ साथ इस्लाह अकायद भी हो। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि खाली कायनात जो कुछ भी बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अहले सुन्नत जमात मसलक आला हज़रत पर हमको कायम और दायम रखे, इसी पर मौत अता फरमाए। कुछ सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, 15-20 मिनट सवाल है जो आपकी नशीच रहेंगे, फिर सलात सलाम पर। देखिए माइक पर भी पूछ सकते हैं, अगर किसी को सामने आकर माइक पर पूछना हो तो यहाँ एक माइक का इंतजाम है, माइक है, माइक पर आके पूछे ज़्यादा बेहतर वही है, या कागज़ पे लिख कर भी पूछ सकते हैं। वहाँ भी देवबंदी से है, कितनी हद तक मेल जोल रख सकते हैं। देखिए मजहबी मामलों में तो इनसे मेल जोल रखना बिल्कुल ना चाहिए, मजहबी मामला ये होते हैं कि इनकी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, इनकी इब्तदा में नमाज पढ़ना, या ये अपनी मस्जिदों में आए तो इसको पसंद करना, इनके मजहबी दीनी जलसों में जाना, ये बिल्कुल कतई जायज़ नहीं है, ये सब थाना। और दुनियावी मामलात में भी हमारे उलमा कहते हैं कि इनसे परहेज किया, यानी लेन देन में भी जहाँ तक मुमकिन हो परहेज करें, लेकिन अगर बहुत मजबूरी है, जैसे किसी मोहल्ले में किसी बदअकीदा की ही दुकान है,
की कोई दुकान नहीं है, मजबूरी है, तो आप अपनी ज़रूरत के सामान की हद तक उतना उससे बस इतना ताल्लुक है आप गए सामान ले लिया, इससे ज़्यादा के ताल्लुक की गुजाइश नहीं है। अगर वो अपनी कोई दीनी बात कहें तो साफ कह दीजिए कि भाई साहब मैं आपकी कारोबार के सिलसिले में अपने ताल्लुक की बुनियाद पर आता हूँ, लेन देन के मामले में आता हूँ, आपसे मुझे मज़हब सीखना नहीं है, मज़हब की बात जब सुनना रहेगा मेरे अपने उलमा मौजूद है हमारी अपनी किताब। दुनियावी मामलात में कुछ मामलों में इजाज़त है कुछ में नहीं है, लेकिन दीनी किसी भी मामले में इजाज़त नहीं है, मतलब उनसे उनकी औरतों से निकाह करना ये भी जायज़ नहीं है, या उनके घर से किसी लड़की को अपने घर ब्याह करना ये भी जायज़ नहीं है, मर जाए तो उनकी मैयत में जाना। और ये कोई हमारे मौलवियों की बात नहीं है, सही मुस्लिम की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बददीन से ना शादियाँ करो, ना उनको लड़कियाँ दो, ना अपनी लड़कियाँ उनसे लाओ, फरमाओ बीमार पड़े तो उनकी मिजाज कुर्सी के लिए भी मत जाओ, मर जाए तो उनके जनाजे पर भी नहीं जाओ, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, ये हमारा नहीं है। ये बंद हो गया भाई आपका, दूसरा सवाल है कि क्या है सुतरे के सही हुक्म क्या है। अच्छा सुतरा जो रहता है, देखिए सुतरा क्या कहते हैं पहले इसको समझ लीजिए, कि ऐसी मस्जिदें होती है कि जहाँ नमाज पढ़ रहे तो आने जाने वाले सामने से गुजर जाते हैं, दीवार की आड़ नहीं होती, कोई कॉलम पिलर नहीं होता, तो शरीयत ने गुंजाइश दी ऐसी जगह कि एक सुतरा रख दिया जाए। सुतरा मतलब कोई आड़, ऐसी चीज़ के एक आड़ हो, उसके उस तरफ से फिर कोई शख्स गुजर जाए चला जाए तो नमाज नहीं टूट, नमाज में कोई खलल नहीं आता। अच्छा याद रखिए कि नमाज की हालत में कोई सामने से गुजर जाए तो उससे नमाज नहीं टूटती। ये लोगों में गलत फहमी क्या है कि कोई सामने से गुजर जाए तो क्या करते हैं नमाज तोड़ देते, अरे नमाज टूट गई, अरे नमाज कोई धागा है क्यों गुजरा तो टूट गया, अल्लाह से क्या धागे का कनेक्शन था, नहीं बल्कि गुजरने वाला गुनाहगार होता है। नमाजी की नमाज में खलल नहीं आता, नमाजी के लिए हुक्म यह है कि वो अपनी नमाज को जारी रखे, लेकिन जो जानबूझकर कसदन जिसको मालूम है कि नमाज पढ़ रहा है तब भी उसके सामने से गुजर जाए तो उसका गुनाह कितना है कि रिवायत में आया का फरमाते हैं कि कयामत में अगर वो शख्स उस गुनाह की तलाफी में यानी उस गुनाह को मिटाने के लिए 500 साल भी खड़ा रहे तो गुनाह उसका माफ नहीं, इतना सख्त गुनाह है। तो कसदन किसी नमाजी के सामने से गुजरना नहीं चाहिए। अब ऐसी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, जुमे के दिन ये मसला खासतौर से पेश आता है कि अब लोग सुन्नतें अदा कर रहे हैं तो अब क्या सामने से गुजरे नहीं, तो उसके लिए सुतरे के सेल में गुंजाइश नहीं। सुतरा ये होता है कि कोई आड़ बना दी जाए, तो शरीयत मुश्किल है कि एक हाथ यानी यह एक हाथ होता है ना, कम से कम इतना ऊंचा हो, एक लकड़ी या एक छड़ी आप रख दें और या मतलब कोई भी ऐसी शायद जिसका जो हाइट है यानी एक हाथ के करीब हो मतलब, तो ऐसी चीज़ रख दे तो उसके बाद फिर कोई वहाँ से गुजरता है तो फिर वो गुनाहगार नहीं होगा, और नमाज में से कोई खलल तो वैसे भी नहीं आता, वैसे भी नहीं आएगा गुनाहगार। अब आजकल मस्जिदों में एक जगह है शायद आपके अभी होंगे कि वो तख्तियाँ जैसी बाकायदा बोर्ड काट के वो बना के रख दिए जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो मस्जिद में आप लोगों ने रखना चाहिए। और जब कोई ऐसा शख्स ऐसी खुली जगह नमाज पढ़ रहा है कि जहाँ पे कोई आड़ नहीं है, सामने दीवार नहीं है, कोई पिलर नहीं है, तो वो सामने उसको रख दे तख्ती को, तो उसको बहरहाल सुतरा कहते हैं। तो कम अज़ कम वो इतना होना चाहिए, एक हाथ एक फिट उसको समझ सकते हैं आप अंदाज़ा, बार बार बन होता है इतना। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम हज़रत, मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल के दौर में जो देखा जा रहा है एक्स मुस्लिम जो हैं आप, लास्ट टाइम मैंने खरदा में आपसे मिला था तो इस मामले मैंने आपसे कहा था कि मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की थी मगर मजलिस में मुझे मना कर दिया गया था। एक्स मुस्लिम जो आजकल बहुत से ऐसे लोग जो मुस्लिम हैं मगर वो अपने ये एजेंडा को हमेशा बना के रख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम ये करो वो करो और लास्ट एंड एट द एंड वो दिखा रहे हैं कि अल्लाह ही नहीं है और है मुस्लिम, इस किस्म से वो बात कर रहे हैं। तो आपका सवाल क्या है उस पर? सवाल ये है कि ये लोग बहुत ही तादाद में बढ़ रहे हैं, खुद तो गलती कर रहे हैं और ऐसे ऐसे। असल में आप अपनी बात रख नहीं पा रहे, लेकिन मैं समझ गया आप बोल रहे हैं। एक्चुअल में एक नया फितना आया, बहुत सारे फितने उम्मत में, तो चंद ही चीज़ें दिखाया क्या क्या दिखाया। एक्स मुस्लिम नाम से भी एक ग्रुप वजूद में आया, इसमें कुछ ज़्यादातर तो वो लोग हैं जो पहले जाकिर नाइक के फॉलोअर्स होते थे, जाकिर नाइक को सुनते थे, जाकिर नाइक के बहुत फैन थे, बल्कि उसमें एक दो तो वो है उसमें एक साहिल करके एक शख्स है कोई, वो तो कहता है कि मैं जाकिर नाइक के साथ रहा हूँ,
बम्बई का है, वो कहता मैं जाकिर नाइक का मतलब असिस्टेंट जैसा रहा मैं। तो ऐसे लोगों का अंजाम यही होता है कि जो बातिल फिरकों के साथ रहते तो ज़्यादा सोचते हैं, फिर जब पैगंबर की भी इज्जत नहीं रहती, औलिया से भी अपने आप को ग्रेट समझते हैं, फिर वो मिर्ज़ा जैसी हालत हो जाती है कि पैगंबर भी कोई शय नहीं। फिर एक वक्त ये आता है कि इस्लामी में भी खामियाँ नज़र आती हैं, जैसे इसको अबू हज़रत उमर तक पहुँच गया, अबू बकर तक पहुँच गया। तो ऐसे लोगों का ये अंजाम होता है कि बाद में ये हुआ कि इस्लाम पर रिसर्च रिसर्च तहकीक। इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें ये है कि जिसमें कुरेद से मना किया, जैसा है कुरान में हदीस में इसको मान लो। अगर आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे तो गुमराह हो जाओगे। जैसे मिसाल के तौर पर कब्र में अजाब होता है, ये हदीस में हमारा ईमान है कि अगर कोई गुनाहगार है तो उसको कब्र में अजाब होता है, और नेकोकार है तो उसको कब्र में जन्नत की उसके लिए खिड़की खोल दी जाती है। इस पर हमारा ईमान है। अब ये चीज़ कैसी है कि कुरान इसकी तारीफ भी बयान करता है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिलगाइब, मोमिन वो है जो छुपी बातों पर गैब पर ईमान लाते हैं। ईमान की तारीफ ये बयान की गई कि छुपी हुई बातों पर ईमान लाए। अब कोई वहाँ साइंसी उसूल लागू करे, अक्ल से कयास करे कि भाई जन्नत की खिड़की खोलती है, तो हमने तो सैकड़ों कब्रें खोदी तो हमको तो कभी कोई जन्नत की खिड़की दिखी नहीं, सैकड़ों कब्रें हमने खोदी तो कभी कोई आग का एक शोला भी नहीं दिखा हमको, ये चिंगारी भी नहीं दिखी। तो ये सब इस्लाम की बातें तो बचकानियाँ खुतलेबाजी लगती है। तो जो अक्ल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसे लोग बहुत जल्दी गुमराह होते हैं। हर चीज़ को अक्लों की कसौटी पर नहीं पड़ पाया, बहुत सी चीज़ें दुनिया में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अक्ल में नहीं आती। तो ये लोग क्या करते हैं रिसर्च के नाम पे कि नहीं भाई हर उस चीज़ को हम मानेंगे जो हमारी अक्ल में आएंगी, जो साइंटिफिक होंगी। नतीजा ये होता है कि एक वक्त ही आता है कि गुमराह हो जाता है। तो इस तरह का एक ग्रुप वजूद में आया है जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलता है। एक्स मुस्लिम ये कि उन्होंने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए, दूसरे मजहब को कबूल कर लिया। अच्छा, अब हिंदुस्तान की ऐसी फिजा है कि ये मुसलमान होकर जिस फिरके में जिस मज़हब में गए हैं वहाँ हज़ारों बातें ऐसी है कि उस पर हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये बोले तो साहब रिसर्च और तहकीक, हम बोले तो साहब गुस्ताखी केस बन जाते हैं, यानी हमें इजाज़त नहीं है बोलने की। तो ये लोग क्या कर रही है एक्स मुस्लिम, ये मीडिया पर आते हैं, चैनल पर आते हैं और आके इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं। ये मेराजुन्नबी का मजाक उड़ाएंगे, कब्र का मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह की सिफात का मजाक उड़ाएंगे, रसूलुल्लाह पे तनकीद करते हैं माज़ल्लाह, ये ऐसी ऐसी गुस्ताखी करते हैं कि आप इसको सुन लें। लेकिन एक ढंग से पेश करते हैं जिसको कि हमारे नौजवान, वही मैं कहा कि जब इल्म नहीं होता और इनको सुनते तो इनको सुनकर भी कई लोग गुमराह और इस्लाम से बसर। तो अब इनसे निपटने का तरीका क्या है, ये यही पूछना चाहते हैं। मैं समझ गया, बखूब यह है कि भाई ऐसे लोगों को कैसे करें। तो देखिए वो एक मुहावरा है ना कि सांप का मंत्र जिसको आता हो वही बिल में हाथ डाल, और अनाड़ी आदमी बिल में हाथ डालेगा तो सांप दस लेगा। सांप पकड़ने वाले को पता होता है कि कैसे पकड़ना। तो इस मामले में हमारे वो उलमा को सामने आना चाहिए, हमारे उन नौजवानों को सामने आना चाहिए कि जो उनके एतराज़ात का जवाब दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो ये कि साइंटिफिक और अकली तौर पर जवाब आ, तो कुरान हदीस को तो मानते ही नहीं। अगर आप बोलेंगे भाई कुरान में आया तो मज़ाक उड़ाते, कहते हैं कुरान अल्लाह की किताब है, हम यही नहीं मानते। आप कहें अल्लाह के रसूल की हदीस है, कहते हैं हम पैगंबर को ही नहीं मानते, तो हदीस क्या करते, हमें तो बताओ जो हमारी अकल में आए। तो अकली दलील देने की जो सलाहियत रखते हैं ऐसे लोगों ने सामने आना चाहिए, एक ये। दूसरा, जो दूसरे मज़हब के बारे में भी मालूमात रखते हैं हवाले के साथ, लंतरानी नहीं, गाली गलौज कर दिया, गुस्से में चीख रहे चिल्ला रहे, ये जवाब नहीं होता मेरे सामने। मेरे नज़दीक चिल्लाना तकरीर नहीं होती, चिल्लाने का नाम इल्म नहीं होता। आप वही बात को ठहर ठहर के भी समझा सकते हैं। तकरीर और इल्म का मामला वो होता है जो बात को जहनों में मुंतकिल किया जाए। फन दिखाना कोई तकरीर नहीं है और कोई फन नहीं है। तो ऐसे लोग जो संजीदगी के साथ किताबों की रोशनी में उनका जवाब दे सके, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। वो चैनलों पे एतराज़ कर रहे हैं, हमें भी अपने पर्सनल ऐसे चैनल बनाकर उसका जवाब देना चाहिए। अब हर आदमी की अपनी एक फील्ड होती है, मेरी अपनी एक फील्ड है, हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में माहिर होता है। हर काम मैं नहीं कर सकता, हर काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए, यही उसमें सद्य बात है। अल्लाह आलम। शुक्रिया जी। हज़रत और क्वेश्चन है, मुहर्रम के महीने में जो 1 से 10 तारीख के बीच में लोग जो एक मंजर बनाते हैं
और योम आशूरा के दिन जो 9 और 10 तारीख जो होती है वो रोड पे नज़र आते हैं, एक मेला लगता है और उस मेले में सबके सब दिखते हैं। तो ये बहुत ये कई बार बता उलमा बोलते ही रहते हैं कि ये लहीब है, क्योंकि वो मंदिर भी इसको ताजिया बोलते हैं। मंदिर और ताजिया में बहुत फ़र्क होता है, हद से ज़्यादा हमको नहीं सजा चाहिए, जिसका जहाँ का हुक्म है तब उसको बात करनी चाहिए। ताजिया और मंदिर में फ़र्क ये होता है कि मंदिर में बातिल माबूद और बुत होता है, ताजिए में ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन इस बारे में मैं अपनी बात कहूँ कि मैं मसलक आला हज़रत को फॉलो करता हूँ, और मसलक आला हज़रत का मतलब है आला हज़रत ने जो हमें समझा दिया हम उस पर मुतमईन। हम उनसे ज़्यादा अपने आप को होशियार नहीं समझते, उनसे ज़्यादा अपना आलिम नहीं समझते। जो तहकीक उन्होंने की उससे बेहतर तहकीक हमने की। आला हज़रत ने इस ताल्लुक से इतदाल बयान किया है, एक दरमियानी, एक ऐसा मसलक, एक ऐसी बात कि जो ना हमको तजावुज़ करती है ना जो हमको तोहिन पर आमादा करती है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इस ताल्लुक से बाकायदा एक रिसाले लिखे हैं, 2 रिसाले, एक रिसाले ताज़ियादारी के नाम से फ़तह रज़विया में शामिल है और एक तबर्रुकात के नाम से, जिसका नाम है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार। अभी उर्दू में भी ट्रांसलेशन हो गया, अरबी रिसाला था ये। उसमें आला फरमाते हैं कि ऐसा ताज़िया बनाना जो इमाम हुसैन के रोज़े के हू बहू उसी शक्ल का हो जैसे इमाम हुसैन का रोज़ा है, और बहुत बड़ा ना हो, एक दरमियानी मतलब साइज़ का हो, घर में किसी अच्छी पाक जगह पे उसको इस नियत के साथ रखना कि उसको देखो तो इमाम हुसैन की याद ताज़ा होती है। इस हद तक ताज़िया बनाना और घर में रखना जायज़। अब नाजायज़ किस चीज़ को कहते हैं आला हज़रत? नाजायज़ ये होता है कि अपने मन से, अपनी अक्ल से कुछ भी बना लिया और उसको इमाम हुसैन का रोज़ा करार दे दिया। अब जो आमतौर पर ताज़िया बनते हैं वो कई कई फिट लंबे, वो इतने लंबे कि जब वो सड़क पर चलते तो तार तक काटने पड़ते हैं, लोगों को परेशानी, रस्सियों से पकड़ पकड़ के उसको खींच के लेके चल रहे हैं, एक तरफ बैलेंस झुका, तो कई तो वीडियोज़ भी आए कि ताज़िया झुका ताज़िया ही टूट गया सर। तो ये तो आप बेहरमती कर रहे हैं, जब आप इमाम हुसैन का उसको रोज़ा समझ रहे हैं तो फिर ये इतना तकल्लुफ़ और इतनी मशक्क़त में अपने आप को डालने की क्या ज़रूरत है, इतनी बेहरमती हो रही है उससे। तो पहले जाके उसको वो बड़े बड़े बना देते हैं जिसको असले से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, उसमें पैसों का इसराफ, फजूल खर्ची, और उसके बाद फिर वो मेला ठेला, फिर उसके साथ औरतों का हुजूम, फिर ढोल और ताशे बाजे ढोलों के साथ जा रहे हैं, मर्सियाँ पढ़ते हुए जा रहे हैं, नमाजों का कोई ख्याल नहीं। इमाम हुसैन करबला में इसलिए शहीद हो गए कि नमाज की हिफाजत करते रहे और हम उन्हीं के नाम पे नमाज छोड़ के ताज़िया उठाने में लगे हुए। इमाम हुसैन ने करबला के बाद शहादत के बाद अहले बैत ने पर्दे किए, उन यहाँ तक के रिवायतों में आया, बाद रिवायतों में आया, बाद लोगों ने लिखा भी है कि वो उनके पर्दे छीन लिए गए थे, दुपट्टे छीन लिए थे यजीदियों ने, तो अपने बालों से उन्होंने अपने चेहरों को छुपा लिया। वो पर्दादार ख़वातीन है कि जिनके चेहरों को आसमान ने कभी खुले आसमान ने नहीं देखा। हम उन पाक बीवियों के मानने के दावे कर रहे हैं, अहले बैत की मोहब्बत के दावे कर रहे हैं, और हमारी औरतें 10 आशूरे के दिन शहादत के दिन साजे धज के लिपस्टिक पाउडर लगा के साथ मजमे आम में मर्दों के घूम रही है, बदनिगाहियाँ हो रही है, निगाह से निगाह टकरा रही है। ये कौन सा करबला मनाना, ये कौन सा मुहर्रम मनाना है, इसकी तो शरीयत कतान इजाज़त दे ही नहीं सकती, तो इसकी इजाज़त नहीं है। फिर उसके बाद वो ताज़िया जो बनाया था उसको ले जाके वो फिर बाद जगह, तो कुछ गांव में देखा मैंने, वीडियोस है बाकायदा मेरे पास मौजूद, तालाब में फेंक देते हैं, कुछ जगह गड़ा खोद के फिर उसको दफन कर देते हैं, गड़े में भी पूरा नहीं आता तो उसके टुकड़े टुकड़े करके पार्ट्स को तोड़ ताड़ के घुसाते हैं उसको गड़े में। तो ये सब चीज़ों की शरीयत इजाज़त नहीं देती, सिर्फ शरीयत इतनी बात की इजाज़त देती है कि हू बहू ताज़िया हो, इमाम हुसैन के रोज़े की तरह हो। तो जैसे तुगरे रखते हैं हम घरों में मक्का के, मदीने के, बगदाद शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़े के, और उसको बरकत की नियत से हम रखते हैं तो उसको तबर्रुकन रखते हैं, उसी तरह इमाम हुसैन का भी रोज़ा अगर हूबहू रखे तो उसकी उतनी इजाज़त है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। एक सवाल ये है कि इर्तिदाद किसे कहते हैं? इर्तिदाद असल में इर्तिदाद इसे कहते हैं कि कोई अपने मजहब इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब कबूल कर ले, उसको इर्तिदाद करना कहते हैं, और ऐसे शख्स को मुर्तद कहते हैं जो इस्लाम छोड़ के दूसरे मजहब को इख्तियार कर ले, कोई भी मजहब में चले जाए, चाहे ईसाई हो जाए, यहूदी हो जाए, मुसलमान था पहले, मुसलमान होने के बाद मजहब इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में चला गया, उसको मुर्तद कहते हैं, और इस अमल को जो उसने किया उसको इर्तिदाद कहते हैं।
मसला के आला हजरत का क्या मतलब है, इसके लिए तो पूरी लंबी तकरीर करनी पड़ जाएगी। अब ये सवाल तो एक लाइन का है, एक लाइन का भी नहीं है, आधी भी लाइन का है, जवाब बड़ा लंबा है, लेकिन मैं अपने इश्क की रोशनी में एक ही जवाब दे देता हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी है, वरना इस पर मेरी तकरीर मौजूद है, उसका नाम है, नेट पर आप जाके सुने, हम है अहले सुन्नत हम ही है जन्नत, जो उसका नाम है। तो उसमें मसला के आला हजरत के ऊपर मैंने अच्छा खासा बोला है। मसला के आला हजरत सिर्फ एक जुमले में अगर मैं कहूँ कि मसला के आला हजरत क्या है, ये सवाल यही है, तो जवाब यह है कि मंशाए इलाही के मुताबिक रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का नाम मसला के आला हजरत। मंशाए इलाही के मुताबिक रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का नाम मसला के आला हजरत, और हर बदअकीदे से बेजारी करने का, हर नबी के गुस्ताख से दूरी अख्तियार करने का नाम मसला के आला हजरत। मस्जिद में कुरान पाक ऊंची आवाज़ में पढ़ने का क्या मसला है जबकि नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है? मस्जिद ही नहीं, आप अगर अपने घर की छत पर कुरान इतने ज़ोर से पढ़ रहे हैं, दुर्रा मुख्तार वगैरह में ये मसला बाकायदा लिखा गया है, बहर और राइक में भी है ये, कि अगर कोई शख्स अपने मकान की छत पर इतने ज़ोर से पढ़ेगा, लोग आ रहे जा रहे हैं, खरीदो फरोख्त में लगे हैं, तो वो जो कुरान पढ़ रहा है वो गुनाहगार होगा, ना कि वो लोग जो आ रहे जा रहे हैं। तो इस क्योंकि कुरान अजीम का एक अदब ये भी है कि अल्लाह कुरान में कुछ फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो बादा उसको सुनो, लेकिन ये तब है कि जब सुनने वाले भी उस पर राजी हो। अब सुनने वाले अपने काम में मसरूफ है, कोई दुनियावी काम में, अब आप खामो खा जाके उनको कुरान सुनाने बैठे, ये उनको तकलीफ़ में डाल रहे हैं, गुनाहगार वो खुद सुनाने वाला हो। इसी तरह अगर मस्जिद में कोई कुरान पढ़ रहा है ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है, दूसरे नमाजियों को खलल हो रहा है, कोई नमाज में अब कुरान की आवाज़ भी आ रही है, तो उसको अपने सूरते पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, तो इससे वो कुरान पढ़ने वाला गुनाहगार होगा, ना कि वो नमाजी, बल्कि वो कुरान पढ़ने वाले को चाहिए कि वो इतनी ही आवाज़ में पढ़े कि जितनी आवाज़ में उसके अपने कान से और इसी को तिलावत करें। ठीक है, मस्जिद में दुखते अच्छा, देखिए ये मस्जिद में दाखिल होते वक्त और जाते वक्त, इस बारे में तो बाकायदे हदीस आई है, इसको तकय्यम जौज़िया जो गैर मुकल्लिदों का बहुत बड़ा अल्लामा है, उसकी किताब है जिलाउल अफ़्वाह, उस पर भी उसने नकल किया है। हमारे अहले सुन्नत की भी किताबों में, किताब शिफा में इमाम काज़ी अयाज़ ने लिखा है, नसीमुर रियाज़ में इमाम शाहबुद्दीन खफ़ाजी ने लिखा है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, हत्ता के इमाम मालिक ने अल मुअत्ता में भी लिखा है इसको, कि जब कोई मस्जिद में आए और मस्जिद में कोई ना हो, आका कहते हैं कि वो कहें अस्सलामु अलैकुम या रसूल। मुल्ला अली कारी इसकी शरह करते हुए फिर मिरकात शरह मिशकात में कहते हैं कि मस्जिद में रसूलुल्लाह की रूह पाक, तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त अगर कोई ना हो तो फिर किस पे सलाम करें? रसूलुल्लाह को। लेकिन अगर लोग मौजूद हैं तो आप मुतलकन बगैर किसी का नाम लिए सलाम करें, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत। लेकिन जो नमाज में है, पहले ये था हुक्म, बाद में मनसूख हो गया कि नमाज के अंदर सलाम का जवाब देने की इजाज़त थी, तो नमाज पढ़ते थे लोग और कोई मस्जिद में दाखिल हुआ तो सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते ही सहाबा जवाब दे देते थे वालेकुम अस्सलाम, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया इससे, फिर ये हुक्म मनसूख हो गया, फिर कहा गया कि नमाज में जवाब ना दो, जो नमाज की हालत में उसको जवाब देना वाजिब नहीं है, जो नमाज में नहीं है, वज़ू वगैरह कर रहा है या वहीं मस्जिद में खड़ा है, उसके कानों में आवाज़ पहुँचे तो उसको जवाब देना वाजिब है, तो सलाम कर सकते हैं हर जगह तो, लेकिन दरमियानी आवाज़ में हो, इतना भी नहीं खामों का ज़ोर से इतना चीख रहे कि पूरा मस्जिद को ही गुंजा दिया अस्सलाम वालेकुम, ऐसा करने की ज़रूरत है, लेकिन नॉर्मल आवाज़ में इत्तेदाल में अस्सलाम वालेकुम जितनों ने सुन लिया काफ़ी है। और सलाम का मसला भी ये है कि किसी ने सलाम किया मजलिस में, मसलन ये सैकड़ों लोग बैठे हैं, मैं आया, मैंने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, मजलिस को सलाम किया, एक शख्स ने भी जवाब दिया तो सब बरी से, और किसी ने जवाब नहीं दिया तो सब गुनाह, ऐसा नहीं है कि सबको सुन जवाब देना ज़रूरी है। चलिए, उम्मीद है मसला समझ में आ गया। गैर मुस्लिम वहाबी देवबंदियों को सलाम करना कैसा है? अब ये तो आप ही समझिए कि जो ऐसे बदतरीन जिनके अकीदे हैं उनको आप सलाम करेंगे, अब आप अपने ज़मीर से फतवा पूछिए। दरहकी का सलाम क्या है? दुआ है। जब आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या मतलब हुआ? अल्लाह की सलामती होती है, यानी अल्लाह तुमको सेहतमंद रखे, अच्छा रखे, और जुमला बढ़ा दिए वह रहमतुल्लाहि व बरकात, तो अल्लाह की रहमत और बरकतें भी होती है, ये इजाफा होता है। अब एक बदअकीदा जो नबी का गुस्ताख है और आप उसकी सलामती की दुआ करें ताकि और तू बेटा ज़िंदा रहे, ताकि और नबी की गुस्ताखी करे, मार
बदअकीदे को सलाम करना जायज़ नहीं है, और जानते बूझते कि बदअकीदा है मालूम है, और उसके कुफरियात, उसकी बकवासात, उसकी गुस्ताखियाँ भी अपने कानों से सुनी है, देखी है, सब मालूम होने के बाद उसको मुसलमान समझ रहे हैं और आप सलाम करेंगे, तो फिर हुक्म बहुत सख्त लगता है। फिर हुक्म ये लगता है मन शक्का फी कुफर ही वज़ाब ही फ़कत कुफर। मुहद्दिसीन और उलमा कहते हैं जो किसी काफिर के जिस पर कुफर का फतवा लगा हो, जो गुस्ताख और बदअकीदा हो जाए, उसके कुफर और अजाब में अगर कोई शक करे तो शक करने वाला खुद काफिर हो। बदअकीदे को सलाम नहीं करना है, और कसदन ना करे, अगर वो पूछे कि भाई सलाम क्यों नहीं किया, सलाम करे तो जवाब मत दो, तो उसको साहब कहो कि भैया पहले तो तौबा करके सुन्नी बन जा, फिर एक बार नहीं हज़ारों बार तो उसके सलाम। ऐसे मौके पे अल्लाह के नबी एक सलाम करते थे, अगर बहुत ज़्यादा कहीं मतलब मुश्किल आ जाए तो रसूलुल्लाह की एक सुन्नत जो हदीस में आया, जब कोई बदअकीदा या काफिर आपको सलाम करता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालेकुम अस्सलाम दे के जवाब देते, या हुज़ूर को अगर सलाम करना होता किसी बदअकीदा को ख़त वगैरह में, तो आप इस तरह नहीं कहते थे जो हमारे यहाँ मुसलमानों के लिए राज है, अस्सलाम वालेकुम। सरकार सलाम क्या कहते थे? अस्सलाम अला मन तबअल हुदा। ये मुतदिल सलाम है, यानी मतलब क्या होता है, सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे, यानी अगर तू हिदायत की पैरवी करे तो सलामती है, और अगर तू बदअकीदा और गुमराह तो फिर तुझ पर सलामती नहीं है। इसको कहते हैं मशरूत सलाम, शर्त के साथ। हाँ, अस्सलामु अला मन तबअल हुदा, तो ये सलाम कर सकते हैं वो भी किसी बदअकीदा काफिर को, अगर मजबूरी हो तो, वरना खामोखा ही नहीं। मजबूरी है कि जैसे भाई उससे जानी माली नुकसान होने का अंदेशा है, मोहल्ले का कोई बहुत दबंग आदमी है, सलाम का अगर सलाम नहीं करे या जवाब नहीं दे तो दुश्मनी रख लेगा, दुश्मनी पाल लेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो आपकी मजबूरी है कि यार वो उस वक्त इस तरह का कर सकते हो। वलीमे में दूल्हे को सोने की अंगूठी पहनने को घर वाले मजबूर करते हैं, इस पर वजाहत फरमाए। करीने ज़िंदगी में जो किताब है यहाँ मिलती है, चले जाके भी करीने ज़िंदगी किताब हर शादीशुदा नौजवान ने और हर शादीशुदा फर्द ने पढ़नी चाहिए, बहुत सारी ज़बानों में तर्जुमा होके आई है, आपके कलकत्ता में मिलती है, उसको पढ़िए। ये अंगूठी और इसके ताल्लुक से जो रस्म व रिवाज है उस पर मैंने बहुत वजाहत से उस पर गुफ्तगू की है। सोने की अंगूठी मर्द को सख्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए सोने की अंगूठी पहने हुए थे, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, आका ने फरमाया क्या बात है कि मैं तेरी उंगली में तेरे हाथ में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूँ। फिर वो साहबी गए, उन्होंने सोने की अंगूठी बदलवा ली। दूसरे दिन आए तो तांबे की अंगूठी पहने हुए थे, आपने फरमाया क्या बात है कि मैं तेरे हाथ में देवताओं का जेवर देख रहा हूँ, जो बातिलाने माबूद तांबे के जेवरात अपने माबूदों पर चढ़ाते थे, वो जेवर मैं तुझ पर देख रहा हूँ। तो उन्होंने फिर वो अंगूठी भी बदल दी। तीसरे दिन जो है वो लोहे की अंगूठी पहने हुए आए, काका ने फरमाया क्या बात है कि मैं तुझ पर कुफारों का जेवर देख रहा हूँ। उनको अंगूठी पहनने का शौक था उस आदमी को, फिर उन्होंने अर्ज़ किया यार सुल्ला क्या मैं अंगूठी ही ना पहनूँ? फरमाया अगर तेरा जी चाहे अंगूठी पहनने का तो चांदी की एक अंगूठी बना ले और 4.5 माशा से उसको जायद ना कर। 4.5 माशा कितना वज़न होता है अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, किताब में वो कैलकुलेशन करके लिखा हो गया है कि कितने ग्राम होता है, हमारे यहाँ ग्राम चलते हैं, तो ग्राम में कितना होता है। चांदी की एक अंगूठी और एक नग की हो, कितनी हो? एक नग, उसमें नग भी 2-4 ना हो, ऐसी एक अंगूठी मर्द के लिए चांदी की एक अंगूठी एक नग वाली हलाल है। 2 चांदी की पहनना भी उसके लिए जायज़ नहीं, सोने की तो कतान हराम है, अलबत्ता औरतों के लिए सोने के जेवरात सोने की अंगूठी पहनना जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहब है। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया, कहा कि अली अपनी बीवी को हुक्म दो, अपने घर वालियों को हुक्म दो कि जब वो नमाज पढ़े तो जेवरात से अपने आप को आरास्ता करें, कि जो अल्लाह ने उसे जीनत दी है उसको अल्लाह ही की बारगाह में जाहिर करो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैं मखरू समझती हूँ उस औरत की नमाज को कि जो जेवरात ना पहने और उसी तरह बेवाओं की शक्ल बना के नमाज पढ़े। तो किसी ने अर्ज़ किया कि उम्मुल मोमिनीन अगर कोई मिस्कीन और गरीब हो तो फरमाया कि कम अज़ कम धागे का एक डोरा ही डाल ले। तो औरत का जेवर पहनना मुस्तहब अमल है, और शोहर के लिए, शोहर को खुश रखने के लिए अगर वो सजती है धजती है, शरीयत ने सजने धजने से मना नहीं किया, फैशन से मना नहीं किया, उसी को अंग्रेज़ी में हम फैशन बोलते हैं, उर्दू में सजना धजना सवरना बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
फैशन, अच्छा कपड़े पहनना, खूबसूरत दिखना। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का रिसाला है इरफान शरीयत, उसमें फरमाते हैं कि औलिया इकराम की बाज अजवाज ऐसी थी, बाज औलिया की, कि रोज़ाना अपने शोहर के लिए दुल्हन की तरह सजती थी, जैसे दुल्हन तैयार होती, और अपने शोहर के करीब आती, हाजत वाला पाती तो उनकी हाजत पूरी करती, और देखती कि शोहर को कोई हाजत नहीं तो फिर वो अपने जेवरात वगैरह, मतलब जो उनका ज़्यादा जो होता था यानी मेकअप वगैरह, उसको हटा कर दूर करके फिर वो इबादत में मशगूल हो जाती। तो औरतों को सजना संवरना ताकि उनके शोहर उनकी तरह मायल रहे, ये भी औरतों के लिए नेकी बताया गया है। बल्कि ये कि औरत गंदी संदी घर में रहे तो इसको मकरूह फरमाया गया। बल्कि उलमा यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर कोई शोहर किसी दूसरी औरत की तरह मायल हो जाता है और वो औरत घर में गंदी संदी रहती है कि मर्द की उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं रहती है, इस तरह रहती है कि मर्द का मतलब उसको रगबत ही ना हो, और वो शख्स भी किसी दूसरी औरत के साथ बदकारी करे तो उस गुनाह में उसकी वो बीवी भी शरीक है। कि अगर वो सच धज के संवरती, अपने शोहर को अपनी तरफ रिझा के रखती तो शोहर वो गुनाह की तरफ मायल ना होता। तो अगर माँ बहनें सुन रही हो तो जाने कि इस्लाम में जेवरात पहनने से, सजने से, संवरने से मना नहीं किया, सिर्फ मना क्या किया किसी से, बेपर्दगी से। अल्लाह ने फरमाया कि अपना सिंगार, कुरान में मफहूम आयत का, अपना सिंगार जाहिर ना करे सिवाय अपने शोहर के, शोहर पर सिंगार जाहिर करे, गैर मर्दों के लिए सजना नहीं है। गैर, लेकिन अजीब मामला है, दूसरे मर्दों को दिखाना तो बड़ी सवर सच के जाएंगे, घर में वैसी एकदम सड़ी पड़ी रहेंगी, यानी मियाँ के लिए गंदगी है, दूसरों के लिए खूबसूरती है, साफ सफाई है जी। हाँ, सोना और चांदी दो जेवरात औरतें पहन सकती है, और सोने के अलावा दूसरे नहीं। आजकल वो क्या बोलते, मुझको नाम नहीं याद है, सिटी गोल्ड बोलते हैं आपके, हमारा उसका दूसरा ही नाम है, नकली सोने जैसा रहता है, क्या बोलते हैं, इमिटेशन इस टाइप का रहता है, औरतें समझती, हमारा कोई इसके लिए दूसरा वर्ड है बाकायदा। वो नकली जो जेवर होता है, जो सोने का नहीं होता, सोने की तरह दिखता है, या तांबा हो या पीतल हो या लोहा हो, इसके जेवर भी पहनना औरत को जायज नहीं है, बल्कि इस पर नमाज मकरूह तेरी नहीं है। अगर पीतल के जेवर पहन के नमाज पढ़ी किसी खातून ने, या क्या कहते हैं तांबे के या लोहे का जेवर है, तांबे का है, या वो नकली सोना जो एक अलग ही धात का आता है, इस पे अगर उसने नमाज पढ़ी तो नमाज को दोबारा लौटाना वाजिब है, नमाज वाजिब लिहाजा है, तो नमाज जिम्मे पर बाकी है। हाँ, सिर्फ सोना और चांदी दो ही जेवर औरतों को। अंगूठियाँ जितनी चाहे सोने की पहन सकती है, एक से ज़ायद भी पहन सकती है, लेकिन मर्द को सोना भी हराम। और एक हदीस में तो बल्कि यहाँ तक आया कि एक साहबी सोने की अंगूठी पहने हुए आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अंगूठी की तरफ देखा तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैंने सोने की अंगूठी पहनी। आपने फरमाया कि ये तुझे नहीं मालूम कि मर्दों के लिए मेरी शरीयत में ये हलाल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको मतलब सख्त अंदाज में देखा, उन्होंने अपनी वो अंगूठी सोने की निकाली और उसको फेंक दी। जब उज़ू वहाँ से उठ के चले गए तो साहबी ने कहा कि आपने उस अंगूठी को फेंक दिया, उसको उठा लीजिए, औरतों के लिए तो जायज़ है, आप अपनी बीवी को ही अंगूठी दे देते हो। साहबी क्या कहते हैं, जिस अंगूठी को रसूलुल्लाह ने नफरत से देख लिया, अब मैं उसको अपनी बीवी को भी नहीं देता। तो साहबा का ये एहतराम था, रसूलुल्लाह से ये मोहब्बत थी। तो बहरहाल सोने की अंगूठी ना पहने। आज तो ऐसे भी है जो ज़्यादा अंगूठी पहने, वो हमारे यहाँ उतना बड़ा बुजुर्ग माना जाता है, 10-10 अंगूठियाँ लगी है, बहुत पहुँचे हुए बाबा है। अरे भाई, एक के अलावा जायज़ नहीं है, अच्छा करिए किसी भी निकाल लिया और कोई, अच्छा चांदी की एक अंगूठी, एक ना वजन में 4.5-5 मिली गया। देखिए वो 4-4.5 जो मैंने बताया, जो आज के हिसाब से जो अलमा ने हमारे कैलकुलेशन निकाला है, वो 374 में यानी 4.25 ग्राम की अंगूठी, और 1 ग्राम जो होता है वो मेरे ख्याल ग्राम तो एक ही 10 ग्राम का एक तोला होता है, हर जगह थोड़ा अलग अलग रहते हैं। 375 पकड़ लो, 4.25 ग्राम कितना हो गया, 2 चलिए इतना याद रखिए, वो कुछ बाद में आप कैलकुलेशन कर लेना, मैथमेटिक्स में मैं इतना माहिर नहीं हूँ। 374 मिलीग्राम चांदी की अंगूठी, इतनी मर्द को इजाज़त, उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। अल्लाह आलम।
जी वही हुकूमत। सवाल ये है कि खानदान में वहाबी देवबंदी हो तो क्या करना चाहिए? भाई कोई खानदान में वहाबी हो या देवबंदी हो, कितना ही करीबी हो, उससे कतए ताल्लुक ही करने को। रिश्तेदारी का जो भी ताल्लुक है, याद रखिए ईमान से ताल्लुक है। अगर ईमान नहीं है तो फिर कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मैं एक आयत सुना देता हूँ आपको, अब इससे बड़ी दलील नहीं है कुरान में। आप जानते होंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे, बस आखिरी बार इस पर ख़त्म करते, बहुत वक्त हो रहा है। नूह अलैहिस्सलाम नबी गुजरे, 950 साल उन्होंने तबलीग की। 950 साल में सिर्फ 83 लोग ही, बाद रिवायत में 87 आया। वो जब वो अपनी कौम से मायूस हो गया, अब देखा कि 950 साल में अब इससे ज़्यादा तो कोई ईमान लाया नहीं और अब ना लाने की उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हलाकत की दुआ कर दी अपनी उम्मत के लिए, कहा परवरदिगार इन पर अजाब भेज दिया। पानी का अजाब आया, अल्लाह ने कहा कि नूह कश्ती बनाओ और जो ईमान वाले उनको कश्ती में सवार करो। तो ईमान ना लाने वालों में उनकी बीवी भी थी, उनका एक बेटा भी था। बेटा होकर भी वो ईमान नहीं लाया, बीवी होकर भी वो ईमान नहीं लाया। अब बीवी से ज़्यादा कोई करीब का रिश्ता है मुझे बताइए? बोलिए, आप तो इसमें लगे ना कि चचा है, ये ताया है, ये फुला है, ये फुला है, यहाँ तो बीवी है सगी। फिर बेटे से ज़्यादा कोई रिश्ता है? बाप के लिए सबसे नज़दीक का रिश्ता क्या होता है? बेटा और बाप का रिश्ता। बेटा ईमान नहीं लाया। जब बारिश हुई, तूफान आया, तो हुआ ये कि सब तरफ पानी ही पानी था, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो सवार थे वही महफूज थे। तो बेटा भी डूबने लगा, तो नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे पे रहम आया, तो कहा कि बेटा अब भी वक्त है, कलमा पढ़ ले, मुझे नबी मान ले, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले, कश्ती में आ जा। आज अल्लाह के फजल व करम से सिर्फ यही कश्ती है, जो इसमें सवार है वही बचेगा, जो इससे जुदा है, इसमें सवार नहीं है, वो हलाक हो। बेटे ने कहा कि मेरे बाप मैं ईमान तो नहीं लाऊंगा, वो ऊंचा एक टीला दिख रहा है वहाँ जाऊंगा, वहाँ पानी नहीं है। वो टीले पे चढ़ने लगा, बारिश बढ़ी, पानी बढ़ता रहा, पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते टीले तक आया, आखिर में वो डूबने लगा। वो टीला भी पानी में डूब गया। तो जब डूबने लगा और गोते खाने लगा, बचने के लिए वो कोशिश में लगा हुआ है, हज़रत नूह ने देखा तो बेटा था, मोहब्बत थी, रहम आ गया, आखिर तो अल्लाह को उन्होंने पुकारा। कुरान अजीम ने उस वाक़े को बयान किया। चुनांचे पारा नंबर 12 है, सूरह हूद है, आयत 44 और 45 है। रब इरशाद फरमाता है, वनादा नूह रब्बहु फकाला रब्बी इन्नी इब्नी मिन अहली। अल्लाह फरमाता है, और नूह ने अपने रब को पुकारा और अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा, मिन अहली, मेरा घर वाला। दो रिश्ते बताए हैं वहां पर। नूह क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा, इन्नी इब्नी, मेरा बेटा, मिन अहली, मेरा घर वाला है। क्या मतलब था? ए परवरदिगार, मेरा बेटा है, बचा ले, मेरा घर वाला है, मेरा नसब हसब खानदान इसी से चलना है। वइन्ना वादकल हक्क व अंत अहकमुल हाकिमीन, बेशक तेरा वादा सच्चा है, मगर तू हिकमत वाला है, हुक्म वाला है, तो कादिर है मौला, मेरा बेटा है, बचा ले। और अपने क्या जवाब दिया? वो तारिक जमील वाली बोली नहीं थी, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, ले लो अपने बेटे को कश्ती में, बचा लेंगे, वो अपने अकीदे पे रहे, नू तुम अपने अकीदे पे रहे। नहीं, बल्कि कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने फरमाया, काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलीक, ए नू वो तेरा हरगिज घर वाला नहीं, तेरा खानदान वाला नहीं। क्यों? इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, इसलिए कि उसके अमाल, उसका अकीदा खराब है। ये अमल से मुराद अकीदा, उसका अकीदा ही दुरुस्त नहीं। तो ए नू वो तेरा घर वाला ही नहीं है। नू कह रहे मेरा बेटा है, अल्लाह फरमा रहा तेरा बेटा ही नहीं है। तो कुरान ने नबी की औलाद को नबी की औलाद तस्लीम नहीं किया जब वो अकीदे पे ना हो सही। तो जब नू का बेटा नू का नहीं हो सकता बदअकीदगी की बुनियाद पे, आपका और हमारे बेटे की क्या हैसियत है? हमारे और आपके रिश्तेदारों की क्या हैसियत है? और कुरान अजीम वाज तौर पर कहता है, पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत 23, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया अनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। अरे फरमाता है, ईमान वालों, अपने बाप सारे रिश्ते गिनवा दिए, जो करीब के सबसे जो खून के रिश्ते हैं। या अय्युहल लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम, ईमान वाले, ईमान वालों, अपने बाप, व इख्वानकुम, अपने भाइयों को औलिया, दोस्त ना समझो, अपना करीबी ना समझो, अपना अजीज ना समझो। कब?
इट इज तहब्बुल कुफ्रो अलल ईमान, कुफ्रा अलल ईमान, अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करे। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फाउलाइका हुमुज जालिमून, और जो कोई तुम में से उनसे दोस्ती करे, उनसे ताल्लुकात रखे, तो वो अपने आप पर जुल्म करने वाला है, वही जालिम है। तो यह कुरान ने बता दिया है कि बाप को बाप ना समझो, बेटे को बेटा ना समझो, अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करे। और ये कुरान अजीम है, ये कोई आप पर मेरा कलाम नहीं है कि ये कह के नज़रअंदाज कर दो, छोड़ो यार ये तो कहते ही रहते हैं। ये वो है जिस पर हमारा ईमान है, और अगर ईमान नहीं तो फिर हम मुसलमान नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। अरे सवाल है ही अभी, कितने बजे तक जलसा चलता है यार भाई? नहीं मुझे हर्ज नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग थक ना गए हो, लोग थक ना गए हो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मेरी तो असर नहीं है। आप पूछो। अब अबू तालिब के बारे में बात करिए। देखिए इस बारे जज्बात से काम नहीं चलता। ईमान और कुफ्र दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा पहले तमहीद को समझे तो मसला आपके समझ में अच्छी तरीके से आए। कुफ्र और ईमान दोनों के लिए दलील कतई चाहिए। सन और कयास की बुनियाद पर ना किसी का ईमान साबित होता है, और सन और कयास की बुनियाद पर ना किसी को काफिर डिक्लेयर किया जा सकता है। कुफ्र के बारे में भी ये हुक्म है कि जब तक किसी का कुफ्र आफ्ताब से ज़्यादा रोशन ना, उसको काफिर नहीं किया जाए। ईमान के बारे में भी यह है कि जब तक उसका ईमान आफ्ताब से ज़्यादा रोशन और वाज़े ना हो, उसको मोमिन नहीं कहा जाता। इस ताल्लुक़ से अबू तालिब के कुफ्र और ईमान को लेकर उलमा में बज़ाहिर इख्तलाफ़ है, लेकिन जमहूर का, जमहूर कहते हैं मेजॉरिटी, बड़ी तादाद और कसीर तादाद, कसीर तादाद का ये मौक़िफ़ है कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए, और उनके कुफ्र पर जो दलाइल हैं वो बहुत मजबूत है। कुरान से भी उनके कुफ्र के ताल्लुक से कुछ आयतें आई है, और हमारे यहाँ हदीस की जो मोतबर किताबें होती हैं, जो सबसे आला दर्जे की किताबें जैसे बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, मुसनद अहमद, मुसनद इब्ने अबी शैबा, मुसनद इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक, और तबरानी अलमाजुमुल कबीर, अलमाजुमुल औसा, शोएबुल ईमान, ऐसी कई किताबें हैं जो मुस्तनद हदीस की किताबें मानी जाती हैं। उन तमाम किताबों में रसूलुल्लाह से और हज़रत अली से ये हदीसें आई है कि अबू तालिब ईमान नहीं था। अब जो उनके ईमान के कायल है वो कुछ वाक़यात की बुनियाद पर, कयास की बुनियाद पर, सन की बुनियाद पर, नुकात की बुनियाद पर कि ऐसा है तो ऐसा, उससे ईमान साबित करते हैं। लेकिन याद रखिए कि मैंने कहा सन और कयास पर ईमान साबित हो, बल्कि एक उसूल है मुहद्दिसीन के नज़दीक के रिवायत के मुकाबले में हिकायत काबिल कबूल है। अब रिवायत और हकायत का फ़र्क क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे कि रिवायत उसे कहते हैं जो रसूलुल्लाह से आई हो, हदीस में आया हो, जैसे हदीस में आया, रिवायत में आया कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। एक मिसाल दे रहा हूँ समझा दी, अल्लाह के नबी ने फरमाया खड़े होकर पानी ना, यह है रिवायत। एक साहब कहे हमारे पीरों मुर्शिद खड़े होकर पानी पीते थे, यह है हकायत। अब आप खुद बताइए कि कौल कौन सा हुज्जत बनेगा, रसूलुल्लाह की हदीस बनेगी कि पीर साहब का अमल बनेगा? अबू तालिब के कुफर पर रसूलुल्लाह के फरामीन है, और ईमान की जो दलील बयान की जिन उलमा ने, उन्होंने वाकयात की बुनियाद पर ईमान साबित करने की कोशिश की, और उनके दलाइल इंतहाई कमज़ोर। अब उतना वक्त नहीं कि उसमें मैं तफसीली गुफ्तगू करूँ, बस दो चार बातें मैं मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ कि जैसे बुखारी शरीफ हमारे यहाँ कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब है, उसके अंदर बाज़ाबता हदीस है कि जब अबू तालिब का इंतकाल होने लगा तो रसूलुल्लाह अपने चचा के पास आया, कहा चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो मैं तेरे ईमान पर ज़ामिन हूँ। यानी कि गुंजाइश दी अपने चचा को कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना भी कहा तो मैं तब भी ईमान का ज़ामिन बन जाऊँगा, और मैं अल्लाह से तेरे लिए हुज्जत करूँगा। तो अबू जहल, उतबा, शैबा वगैरह कुछ मुशरिकीन क़यादत के लिए आए हुए थे अबू तालिब के। जब हुज़ूर ने कहा तो अबू जहल ने
मुदाखलत की और अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब क्या अपने बाप दादाओं के मज़हब को और दीन को छोड़ दोगे। अबू तालिब ने कहा कि भतीजे, अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि मौत के बाद अहले अरब ये इल्ज़ाम लगाएंगे और ये मुझ पर ऐब जाहिर करेंगे कि मौत की सख्ती ने अबू तालिब को दीन बदलने पर मजबूर कर दिया, तो मैं तेरा जी ठंडा कर दूँ, मैं अपने बाप दादाओं के पास, और उस वक्त उनका इंतकाल हो गया। पता चला कि वो आखिरी वक्त में उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अब उसी बुखारी और मुस्लिम में भी हदीस है, बुखारी में भी है। दूसरी है कि हज़रत अब्बास हुजूर के चचा है, वो ईमान लाए बद्र के वक्त, उन्होंने अपने ईमान का इजहार किया गज़वे बद्र में 2 हिजरी में, मदीने में आके मुकीम हो गए। एक मौके पर रसूलल्लाह से पूछते हैं, ये भी हदीस बुखारी मुस्लिम में, कहते या रसूलल्लाह, आपका चचा अबू तालिब आपके लिए दुश्मनों से लड़ता था, आपको दुश्मनों से दूर करता था, आपकी नुसरत की, आपने मौत के बाद उसको क्या फ़ायदा पहुँचा? हुज़ूर ने फरमाया कि मैंने अपने चचा को गर्दन तक आग में डूबा हुआ पाया, मैंने उसको ये मदद की, ये मैंने उसको फ़ायदा पहुंचाया कि अल्लाह से मैंने उसके लिए सिफारिश की, अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी, तो मैंने गर्दन तक जो आग में डूबा तक खींच कर तखनों तक किया। अबू तालिब मेरे चचा को अब आग के जूते पहनाए गए हैं और उस आग के जूतों की वजह से उनका दिमाग ऐसे पक रहा है जैसे खिचड़ी पकती है देखचे में, और ये जहन्नम का सबसे कमतर अजाब है। लेकिन मेरे चचा ये गुमान करता है अबू तालिब के सबसे ज़्यादा अजाब। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए, अगर अबू तालिब ईमान लाए होते तो हज़रत अब्बास ही सवाल ही क्यों करते? चलो सवाल कर लिया तो हुजूर ने कहा मैंने गर्दन तक में आग में डूबा हुआ पाया, तो हज़रत अब्बास फौरन एतराज़ करना चाहिए था, या रसूलल्लाह वो तो मुसलमान मरे, कलमा पढ़ के मरे, मोमिन मरे, जहन्नम में कैसे? अब इसके बारक जो कुछ लोग जो दलीलें लाते हैं तो किस तरह की लाते हैं? हुजूर को अबू तालिब ने पाला तो क्या एक नबी एक काफिर के घर पर लेगा? ये कयास है, दलील रिवायत नहीं है। क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ? हजरत इब्राहिम को किसने पाला? चचा ने, आजाद बुत परस्ता हो तो बुत परस्ती नहीं था, बुत बनाता था वो। बल्कि यहां तक रिवायतों में आया कि हजरत इब्राहिम जब बालिग हुए बड़े हुए तो उसने मजबूर किया कि इब्राहिम तुमको भी बुत बेचना पड़ेगा, मुफ्त की खाने नहीं दूंगा, तुम मेहनत करो बुत बेचो। उन्होंने कहा मैं बुत नहीं बेचूंगा। मारा ज़रकूब की आदत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और ज़बरदस्ती कहा जाओ बुत लेकर। हज़रत इब्राहिम बुत लेकर गए, रस्सी गले में बंधी हुई है, घसीटते हुए ले जा रहे हैं उसको, कहते हैं लोगों उस माबूद को खरीद लो जो इतना मजबूर है कि उसके गले में जब मैंने रस्सी बांधी और रस्सी भी नहीं छुड़ा सकता। जब उन्होंने इस तरह मजाक उड़ाया तो चचा मजबूर हुआ, कहा कि इब्राहिम बेहतर है कि अब तू घर पर ही बैठ, वरना एक फितना खड़ा हो जाए। उस दिन से बहरहाल एक ही दिन में हज़रत इब्राहिम ने काम तमाम कर दिया। लेकिन पाला किसने था हज़रत इब्राहिम को? बोलो, आज़ार ने, मशरिक था, काफिर था। हज़रत मूसा कहाँ पले, उनकी परवरिश कहाँ हुई? तो एक नबी अगर किसी काफिर के परवरिश में पल जाए तो इससे ईमान थोड़ी साबित हो जाए, तो ये दलील नहीं है। फिर दलील लाते हैं कुछ लोग, भाई वो हज़रत अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया रसूलल्लाह का, तो क्या निकाह काफिर पढ़ा सकता है? सबसे पहली बात तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त नबुव्वत का ऐलान ही नहीं किया, तो अभी तो ईमान का सवाल ही पैदा नहीं। फिर अबू तालिब ने अगर निकाह पढ़ाया तो सबसे पहली बात ये भी झूठ बोलते हैं। तारीख़ इब्ने हिशाम उठा लो, सीरतुन नबवा उनकी किताब है इब्ने हिशाम की, इब्ने इसहाक़ की उठा लो, ये तारीख़ की कदीम और पहली किताबें हैं। ज़रा इसमें देखिए खुतबा क्या पढ़ा था अबू तालिब ने उस ज़माने में, क्या यही खुतबा था जो आप और हम पढ़ते अभी निकाह में, जिसमें कुरान की आयतें हैं, रसूलल्लाह की हदीस पढ़ी जाती है, निकाह मिन सुन्नती, क्या यही वही खुतबा है जो आज पढ़ा जाता है? ये तो खुतबा राइज ही नहीं हुआ था। उस वक्त क्या खुतबा था? वो खुतबा इब्ने हिशाम ने, इब्ने इसहाक ने लिखा है, अबू तालिब ने जो खुतबा दिया था, खुतबा कहते हैं तकरीर को, उन्होंने अपने कबीले कुरैश की तारीफ बयान की। उसमें ना कोई नबी की नबुव्वत का इजहार है, ना अल्लाह की तौहीद का इजहार है। उन्होंने कुरैश कबीले की तारीफ बयान की। खुतबा मतलब खड़े हुए का हमारा कबीला वो है जो ये बहादुर है, हम जब जंग के मैदान में उतरते हैं तो हम ये होते हैं वो होते हैं, हमारे यहाँ ये शराफत है, हमारे यहाँ ये खूबी है, ये यही खुतबा था। और हज़रत खतीजा की तरफ से एक शख्स थे, उनका नाम अभी ज़हन में नहीं, उन्होंने भी अपने कबीले की तारीफ बयान की और उन्होंने ये खुतबा था, ये खुतबा थोड़ी था। फिर दूसरी चीज़ के मसला तो ये है कि निकाह खुतबा निकाह की शर्त ही नहीं है,
निकाह की शर्त क्या है? मेहर का होना, मर्द और औरत का एक दूसरे को एजाब व कबूल कर लेना, और तीसरी शर्त है दो गवाहों का होना। खुतबा देना निकाह की शर्त ही नहीं। चौथी चीज, कुफर के जमाने के निकाह को भी इस्लाम ने, इस्लाम लाने के बाद उसको सही करार दिया। जैसे जितने सहाबा इकराम थे जो पहले काफिर थे, उन्होंने निकाह किए, तो उनके भी निकाह जो है वो कुफर के दौर में कुफर के रस्म रिवाज के मुताबिक हुए। फिर वही ईमान लाए, तो क्या एक कोई ऐसी रिवायत मिलती कि अल्लाह के नबी ने कहा तुम दोबारा निकाह करो, तुम्हारे जो कुफर के निकाह थे वो सही नहीं थे? कोई रिवायत नहीं मिलती। या ये कहा कि तुम्हारी कुफर की हालत में जो औलादें पैदा हुई थी वो सब वलदुज़ज़ना है, हरामी है? कोई रिवायत नहीं मिलती। उस वक्त की औलाद को भी जायज़ करार दिया गया, उन निकाह को भी दुरुस्त करार दिया गया, तजदीद निकाह नहीं हुआ, तो ये भी ईमान की दलील नहीं बनती। तो इस तरह की ये दलीलें लाके जो है कुछ लोग ईमान साबित करते हैं, तो शरी के खिलाफ ये चलता नहीं है। बल्कि खुद गालिबन मुस्लिम के अंदर यह हदीस और मुस्नद अहमद में भी है कि हज़रत अली आए रसूलल्लाह की खिदमत में और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपका चचा बुड्ढा काफिर मर गया। हज़रत अली ने खुद ये जुमलों में इत्तला दी अपने बाप की मौत की, या रसूलल्लाह आपका चचा बुड्ढा काफिर मर गया। उन्होंने फरमाया उसको तंग गड़े में दबा आ। ये भी रिवायत मौजूद। हमारे जितने मुस्तनद इमाम हैं, जो बड़े इमाम हैं, जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, सब का यही नज़रिया और यही मौकिफ है कि अबू तालिब कलमा नहीं पढ़े। इमाम आज़म की अल-फ़िक्हुल अकबर किताब अकायद की, इमाम आज़म की किताबें मदारिस में पढ़ाई भी जाती है, कुछ मदरसों में कोर्स में दाखिले, कुछ मदरसों में, सब जगह नहीं है, लेकिन वो किताब मिल जाती है आसानी से, अल-फ़िक्हुल अकबर। उसके अंदर इमाम आज़म बाकायदा फरमाते वा अम्माहु अबू तालिबी अबी तालिबिन माता काफिरा, हुजूर का चचा अबू तालिब, उसकी मौत कुफ्र पर हुई। यह हज़रत इमाम आज़म का कौल है। इमाम शाफी भी फरमाते कि ईमान नहीं लाए, हत्ता कि इमाम जाफर सादिक की रिवायत है, इमाम बाकर की रिवायत है, अहले बैत की खुद रिवायत है कि अबू तालिब ईमान। लेकिन अब ये दौर में लोग समझते हैं कि भाई हुब्बे अली और हुब्बे अहले बैत का तकाजा है कि अबू तालिब को बस किसी भी तरह खींचतान के हम मोमिन करार दे दें, तो अजीब अजीब बातें होने लगी है उस ताल्लुक से। और नऊज़ बिल्ला ये समझते हैं कि भाई अबू तालिब को अगर कोई मुसलमान ना समझे तो बड़ा मसला खड़ा हो जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर के एक चचा पे आपको इतनी परेशानी है कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए, तो नौ चचा थे हुजूर के और जो ईमान नहीं लाए, उनके बारे में फिर आप क्यों बेचैन क्यों? हुजूर के नौ चचा और भी है ना जो ईमान नहीं लाए, उस बारे में तो आप बेचैन नहीं? तो कहीं नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अली के बाप है। इसलिए अब कैसी कैसी तकरीरी जज्बाती बातें होती है। मैंने कहा कुफर और ईमान जज्बात पे नहीं साबित होते। हुजूर ने अली को कुल ईमान कहा, कुल ईमान का बाप काफिर होगा? ये आपकी अकल है? रिवायत नहीं, रिवायत चाहिए उसके लिए, दलील चाहिए उसके लिए। तो दलाइल बहुत ज़्यादा मजबूत है, सारे अइम्मा का ही अकवाल है। खुद आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने इस पर एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है जिसका नाम है शरहुल बताली फ़ी मबस ईमान अबी तालिब, और उसमें आला हज़रत ने यही साबित किया कि वो ईमान नहीं लाए। अलबत्ता आला हज़रत पूरे रिसाले में अपनी पूरी तहकीक पेश करने के बाद मजबूत दलाइल के साथ, उसके बाद फिर आप ये बयान फरमाते हैं कि अलबत्ता यह है कि अबू तालिब का नाम जब भी लेंगे तो बेहुरमती के साथ नहीं लिया जाएगा, तौहीन नहीं की जाएगी। उनका कुफ्र और अबू जहल के कुफ्र में ज़मीन आसमान का फर्क है कि अबू जहल कुफ्र के साथ गुस्ताख भी था, ये गुस्ताख नहीं थे, रसूलल्लाह के चाहने वाले थे, मोहब्बत थी इनको रसूलल्लाह से। ये सब तहकीक के बाद भी मैं आखिरी में एक बात कहता हूँ कि अगर कोई बिलफर्ज अबू तालिब को मुसलमान समझता है, उसके बारे में भी हमारे यहाँ उलमा कोई हुक्म नहीं लगा। ठीक है, अगर आपका दिल चाहता है आप उन तहकीक को पसंद करते हैं जो ईमान की तरफ ले जाती है, जिन उलमा ने ईमान की बात की है, अगर आप मुसलमान समझते हैं, कोई है। प्रॉब्लम कब आ जाता है? अभी एक दूसरा दस्तूर चला है, अभी सवाल हुआ तो मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, वरना ये मौजू पे हम बात भी नहीं करते, क्योंकि अबू तालिब का ईमान और कुफ्र का मसला ज़रूरियात दीन में से है भी नहीं, ना उनसे कोई ऐसी रिवायत हमारे यहाँ एक मौजूद है कि जो अहकाम में इस्तेमाल की गई होगी जिससे हमारा कोई फ़राइज़ हमारे और वाजिबात पर मसला खड़ा हो गया कि भाई अगर ये अबू तालिब को मुसलमान ना समझे तो फिर ये फ़राइज़ और वाजिबात का क्या होगा, ऐसी कोई रिवायत भी नहीं हमारे। अभी मसला क्या खड़ा हो जाता है कि अभी एक बड़ा आसान तरीका लोगों ने इख्तियार किया राफ़िदियत की तरफ लोगों को लाने के लिए कि भाई देखो अबू तालिब को काफिर कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं,
खासतौर से इस ताल्लुक से सबसे ज़्यादा टारगेट आला हजरत को कर रहे हैं, तो अगर ये भूल जाते हैं कि तनहा आला हजरत नहीं है, आला से पहले जितने मुजद्दिद अल्फसानी, शाह अब्दुल हक मोहद्दी से दहलवी, शाह उलुल्लाह मोहद्दी से दहलवी, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम शाफई, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, आइम्मा से लेकर औलिया तक, हत्ता के ख्वाजा निसामुद्दीन औलिया, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, लताइफ अशरफी उठा लीजिए, लताइफ अशरफी में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बाज़ाब्ता वाज़े लफ्ज़ों में लिखा, हुजूर के चचाओं का जिक्र कर रहे हैं, जब अबू तालिब का जिक्र आता है तो मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अबू तालिब कुफ्र पर मरे, ईमान नहीं लाए। और यही रिवायत लिखी जो मैंने इब्तिदा में बयान की कि रसूलुल्लाह ने उनके लिए गुंजाइश रखी, कहा कि सिर्फ ला इलाहा कह दो तब भी मैं अल्लाह के लिए तेरे लिए हुज्जत करार पाऊँ। तो मखदूम अशरफ के जुमले फरमाते कि उन पर अल्लाह का लिखा हुआ गालिब आया, वो आखिरी तक ईमान न लाया, कुफ्र पे उनकी मौत हो। निज़ामुद्दीन औलिया फवादुल फवाद उनकी किताब है, उसमें नकल फरमाते हैं कि अबू तालिब का इंतकाल हुआ, हुजूर ने समझाया, नहीं माने, कुफ्र पर ही इंतकाल हो गया। जब जनाजा जा रहा था, रसूलुल्लाह बार बार हाथ उठाते थे, बार बार हाथ उठाते थे जनाजे के साथ। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आप हाथ उठाते, इससे पहले हमने किसी जनाजे में आपको इस तरह करते हुए नहीं देखा। फरमाया, अजाब के फरिश्ते बिल्कुल आ चुके हैं, चाहते कि अबू तालिब को जनाजे से उठा ले जाए, मैं बार बार हाथ उठा के अल्लाह का वास्ता लेके कहता हूँ कि कुछ देर तो ठहर जाए। ये लिखने वाला कौन है? आला हजरत नहीं है जो आलत को गालियाँ बक रहे, हिम्मत हो तो निज़ामुद्दीन औलिया को गाली बक के बताओ। फवादुल फवाद में निज़ामुद्दीन औलिया ने लिखा है भाई। तो सूफिया के अभी ये रिवायतें मौजूद है, बाकायदा सूफियों ने भी लिखा, लेकिन राहबदियत को प्रमोट करने के लिए बहुत आसान चुटकुल्ले हैं लोगों के पास जिसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम कहते, चलिए अगर आप मुसलमान मानते मानिए, कोई हर्ज नहीं है, हम कुछ नहीं कहते। लेकिन मसला तब खड़ा हो जाता है कि कुछ ऐसे भी मौलवियों के बीच में तकारीरें आई, कुछ जुमले आए कि जो अबू तालिब को मुसलमान नहीं मानते, हम उनको मुसलमान नहीं मानते। अभी तुम होते कौन हो? तुम नारे ना मानने से क्या होता है? नाम लेके बोलो, आला हजरत को क्यों टारगेट करते हो? थोड़ा मर्दानगी लाओ, बोलो इमाम बुखारी ने लिखा ईमान नहीं लाए, हम इमाम बुखारी को मुसलमान नहीं मानते। हिम्मत करके लिखो, बोलो इमाम मुस्लिम ने लिखा कि वो जहन्नम के अजाम में, हम इमाम मुस्लिम को मुसलमान नहीं मानते, इमाम अबू हनीफा को मुसलमान नहीं मानते, इमाम शाफई को मुसलमान नहीं मानते, इमाम अहमद इब्ने हम्बल को मुसलमान नहीं मानते, इमाम मालिक को मुसलमान नहीं मानते, मखदूम अशरफ सिमनानी को मुसलमान नहीं मानते, निज़ामुद्दीन औलिया को नहीं मानते। तब कौम खुद फैसला कर लेंगे, जब तुम इतनों को मुसलमान नहीं मानते तो हम तुमको क्यों मुसलमान माने। मगर ये सब मक्कारी हैं, और ये मसलों पर तो गुफ्तगू भी नहीं करना चाहिए। उलमा ने इन मसलों पे बात करने से भी मना किया कि कोई ऐसा बहुत ऐसा टॉपिक नहीं कि जिससे इस्लाम का बहुत बड़ा मसला है। इतना होने के बाद भी आला हज़रत ये कहते हैं कि भाई अबू तालिब को ज़बान दराजी ना की जाए, बुरे अलकाब से ना याद किया जाए। हाँ, लेकिन ये है कि उनको हजरत कहना या रदी अल्लाह अन्हु कहना, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनका ईमान साबित नहीं है सही रिवायतों से। अब आप ये नाम जब लेंगे तो एहतरामन कुछ अच्छे से जुमले बोल सकते हैं, जैसे जनाब अबू तालिब बोल दिया तो ठीक है वहाँ तक, या अबू तालिब कह रहे थे, जा रहा था, बोल रहा था, ये जुमले से परहेज करना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह को इससे भी तकलीफ़ होती है, भाई आखिर चचा थे, ठीक है जैसे भी थे, चचा तो हुजूरी के थे। तो आला हज़रत ने कहा इस तरह के जुमले उनके बेअदबी के ना इस्तेमाल करें, लेकिन अकीदा यही रखा जाएगा उनके बारे में कि वो ईमान नहीं लाए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। चलिए आइए सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।